आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी देवबंद, बट उससे पहले एक बार अनअकैडमी के कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को PCSJ यानी कि जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो वो बहुत सारे अपने कोर्सेज़ लेके आए हैं, जिसमें से यू कैन ईजिली लर्न व्हाइल यू आर सिटिंग बैक एट योर होम। देयर विल बी लाइव टेस्ट्स, देयर विल बी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यू विल बी प्रोवाइडेड नोट्स एज वेल एंड द नोट्स विल बी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक कवर्ड इन द सिलेबस। डेफिनेटिव क्लासेस होंगी, आपके आंसर राइटिंग सेशंस भी किए जाएंगे ये पता करने के लिए कि आप प्री एग्ज़ाम्स में ही नहीं बल्कि मेंस में भी अच्छा करो। और यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे बैचेस दिखेंगे अनअकैडमी के, जो कि सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आपको जिसके लिए भी रिक्वायरमेंट है आप उस बैच को विज़िट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे विज़िट करके। और अगर आपको लगता है कि बैचेस तो पहले से स्टार्ट हो गए हैं तो डोंट वरी, यू कैन ईजिली कवर अप बिकॉज दे हैव ऑल देयर नोट्स अवेलेबल इन द PDF फॉर्मेट, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को चाहे वो कभी भी ज्वाइन करे कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आप फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, PCSJ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कोड यूज़ करो VLAWGISH ताकि आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट on this already discounted price मिल सके। So all the best for your judicial services exams preparation. I can't believe we were on our way to देवबंद। तब तक आपको ये कुछ फूड के विजुअल्स मिल रहे हैं जो कि हमने बिल्कुल वहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा लिया। अब देवबंद इज़ अ सिटी टू विच आई एम कनेक्टेड। मेरे पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड मदर का वो मटर्नल होम है। के बारे में जानते नहीं हो गए लोग, कैसे बताऊँ, हम तो स्टेशन पे आते थे और सीधा रिक्शे वाला अनाज मंडी में ले आता था, जहाँ वो था रामले मैदान भी था ऊपर। अच्छा वो एक रास्ता मंडी में जा रहा था, एक ऊपर एक जाके वहाँ जा रहा था, उस पर जहाँ तहसील है, तहसील पे ना। ठीक है भाई, सारा बदल गया ना, 25 साल बाद आया। वो भी ट्रेन पे आते थे। उसने समझ लिया था नहीं, किसने समझाया फिर? आपने आगे जाके इसे रिकॉर्ड किया ना, देख लो। देवबंद वाला वो जो स्टेशन वाला आता था वो याद कर रहा था, पर बक्से में पहले पूरी भीड़ रहती थी, कहते ये चलने की जगह नहीं होती, पैदल बंद है इसलिए पूरी मार्केट है। गुरुद्वारा आ गया, देख गुरुद्वारा आएगा तो समझ जाऊंगा गुरुद्वारा मंदिर। कड़ी चावल मिलते थे, हम दिवाली के अगले दिन आते थे पिछकर मंडे पे, टिक्के पे आते थे, कड़ी चावल मिलते थे। अच्छा, आप देवबंद आए हैं, गलियों में घूम ही रहे हैं, तो तब तक आप ये देखो, मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। एज़ फार एज आई रिमेंबर, वन ऑफ द जजेस वाज PK घोष। PK घोष और उनके ब्रदर जज ने ऑब्जर्वेशंस दी थी उस केस में, और ये बोला था, जब बहुत सारे कुछ ऐसे फतवाज इशू हुए थे जिसको एक पिटिशनर ने चैलेंज कर दिया था, तब उन्होंने वहाँ बताया कि ये जो फतवाज है उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन फतवाज को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। हाँ, वही केस था जहाँ पर एक मोलेस्टेशन, एक रेप की विक्टिम के लिए फतवा इशू किया गया था कि अब उनके हस्बैंड उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कुरान में हराम होगा एक तरह से। बस मुझे लगा कि आपको इस केस के बारे में बताना चाहिए, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, तो अगर आप चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। देवबंद में जो ये बहुत पुराना मदरसा है दारुल उल उलूम, इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस मानी जाती है। जब भी हम हनाफी स्कूल के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा देवबंद का नाम आता है, क्योंकि उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं बोला जाता है कि यहीं से हुआ था। तो आप देखो, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अंदर तो जा रहे थे, बट जैसे ही हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली मना किया कि लेडीज़ का, लड़कियों का वहाँ पर जाना, विज़िट करना अलाउड नहीं है। तो हमने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को डेफिनेटली अबाइड किया। वो समझाने की भी कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों है, बट उस टाइम क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में थी तो उस बात पर उतना ध्यान नहीं दे पाई। अगर आप में से किसी को इसकी एग्जैक्ट नॉलेज हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अब जो आप आगे देखोगे ना, यहीं से मैं आपको मस्जिद तो दिखा दूंगी, और जो आपको सामने बिल्कुल दिख रही है ये एक लाइब्रेरी है। बताया गया कि इस लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन को बीच में किसी कोर्ट केस की वजह से रुकवा दिया गया था। मुझे नहीं पता वो वहाँ पे जो फैक्ट्स बता रहे थे वो कितना सच थे, और यही वाला मस्जिद था जहाँ पे मैं अंदर मस्जिद के अंदर तो नहीं जा पाई, बट मैंने डेफ़िनेटली बाहर से वॉल्स और सब कुछ देखा। यहाँ वो एरिया है जहाँ पे विज़िटर्स आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो इतना हिस्टोरिकली रेलिवेंट प्लेस होने के बाद भी विज़िटर्स बहुत कम थे। मदरसा दुनिया का सबसे बड़ा है कि इंडिया का सबसे बड़ा है? इंडिया का है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। एशिया की? एशिया की, इंडिया की नहीं, पूरे एशिया। पर होगी तो खाली मुस्लिम लॉ ना। सुना आपने, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, उन्होंने ऐसा बोला। ऑल्दो मैंने फैक्ट चेक नहीं किया, आप अपने आप करके देख सकते हैं। देखो ये था लाइब्रेरी के बाहर का, ये बंद थी उस दिन लाइब्रेरी, बट उन्होंने मुझे थोड़ा सा स्नीक पीक लेने दिया देख के ऐसे बाहर से। हम लोग आए देखने आए थे, यहीं मदरसा ही देखने आए। स्काउट? अच्छा स्काउट में आप तो यहीं पर ट्रेनिंग वगैरह होती है ना? ये हम तो घूमने आए हैं। अच्छा स्काउट ग्रुप से घूमने आए थे। सही बताऊं तो ऐसा लग रहा था मैं फैमिली और वर्ल्ड हिस्ट्री में एक साथ घुस गई हूँ। Hi guys, so I'm standing besides what is perceived as Asia's biggest library and which is in construction, and what they've told me is that it does not contain any of the books as of now, and it will be furnished very soon, but for today it is closed because of it being Sunday and 15th of August. But looking at this madrasa and looking at the kind of architecture they have here, I am certainly impressed, and I think all those who are for us it is very important, because every time we studied the Muslim law, every time we studied we got to know about the Hanafi school, the first of the things that came to my mind was Deoband, and majorly because it was because I was related to this place, and really happy to visit this today for the very first time. And let me just show you where I am standing right now. यस, सो दिस इज़ द व्यू। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी भी लोग पढ़ने तो आते हैं। फ़िलहाल कोरोना की वजह से देयर आर नो क्लासेस गोइंग ऑन। क्लासेस भी यहाँ पे एक साइड पे होती हैं, और हाँ भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का कुछ है नहीं, तो फॉर नाउ इट इज़ लाइक शट ओनली। एक बात बताती हूँ देवबंद एज अ टाउन के बारे में, ये वही बता सकता है जिसके घर में से या तो वो वहाँ पे कभी रहा है। तो मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे को स्टोरी सुनाई, और जो मुझे वहाँ पे जाके पुराने रिलेटिव्स भी मिले, उन्होंने भी ऐसा बताया कि देवबंद एक इतना कंजर्वेटिव टाउन है कि यहाँ पर अगर बच्चियाँ भी होती हैं तो होती थी इनफैक्ट पहले, तो उनके सर से बाहर निकलते हुए चुन्नी हल्की सी भी नीचे सरक नहीं सकती। तो आइट से आई फाउंड इट रियली क्यूट, बट हाँ इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार मुझे लगता है कि आपकी फ्रीडम के अगेंस्ट या फिर आपकी फ्रीडम से एक टसल सा हो जाता है। ये एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे मेरे फादर ने बताया कि ये जो जगह है, ये मदरसा, यहाँ पर वो इतने सालों तक देवबंद आते रहे, बट उन्होंने कभी मदरसा अपनी लाइफ में विज़िट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक फेमस स्टोरी थी कि जो भी यहाँ आएगा उसको रूहें पकड़ लेंगी, क्योंकि यहाँ रूहों की यानी कि आत्माओं की ऐसा कुछ पढ़ाई होती है। हाउ फनी इज़ दैट? आई डोंट नो कितना ट्रूथ है। ये हम आ गए थे देवीकुंड। नहीं चाहिए देवीकुंड, वहाँ का एक मंदिर समझ लो। यहाँ पे मैंने माता अन्नपूर्णा की पूजा होती देखी। यही वो कुंड है, कुंड यानी तालाब जैसा कुछ। यहाँ पर भी लोग पूजा करते हैं। ये सारे लोटस फ्लावर्स थे, एंड आई वाज अमेज्ड कि कितने ज़्यादा लोटस फ्लावर्स हैं भाई। सच में जितना मैं दूर दूर तक दिख रही थी सिर्फ लोटस ही दिख रहे थे। बस यही दो जगह थी एक तरह से मैं बोलूँ तो देवबंद में। यहाँ पे अंदर कैमरा लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस पे जहाँ पे भी आप पीस के लिए आते हो वहाँ पर ये सब ज़रूरी नहीं है ले जाना। अब बस हम देवबंद को बोलेंगे बाय बाय।